आखिरी मान लो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज का दिन है संडे और हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े हैं आउटिंग के लिए। सोचा कि चलो हिमाचल घूम के आते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा है। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पालमपुर जाएंगे, तो चलिए देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कि पालमपुर कैसे। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं कठुआ में रहती हूँ, यहाँ से हार्डली 3 या 4 घंटे का रास्ता है पालमपुर का। तो लेट्स सी कैसा है, बाकी रास्ते में मिलते रहेंगे, आप लोगों को व्यू दिखाती रहूँगी कि कैसा है। चलिए ओके, चलो मिलते हैं फिर। बाकी अभी देखो यूवी अभी सुबह सुबह उठा है और अभी नींद में ही आधी है। यूवो हेलो कर दो सबको, हेलो। ये चामुंडा जी का मंदिर है, बाहर बजरंगबली की एक मूर्ति है। ये मंदिर है, पीछे मेरे जो है वो रास्ता है मंदिर का। और यहाँ पे कि ऐसे नदी बह रही होती है तो आप इंजॉय कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे नदी बह रही है, पत्थर हैं, लोग नहाते हैं, इंजॉय करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। और सबसे अच्छी बात है आपको पानी के बीच में लोग आ जाएंगे, वहाँ पर मैगी आप खा सकते हो, चीज़ें खा सकते हो और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय है, हम तो बैठ कर। ये क्या है, हम कहाँ पहुँचे हैं? चामुंडा देवी माता के मंदिर। अभी तो ये स्टार्टिंग थी, अभी धीरे धीरे देखना रश बढ़ जाएगा। हम लोग अभी रुके हैं पालमपुर जाते हुए रास्ते में, टी एस्टेट पड़ रहा है उसके लिए। चामुंडा जी में रश तो बहुत था बट दर्शन अच्छे हो गए थे। फिर वहाँ पर नाश्ता वाश्ता किया, अब हम लोग रुके हैं टी एस्टेट के लिए। यहाँ पर रास्ते में जा रहे थे तो टी एस्टेट पड़ा, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये सारा टी एस्टेट है यहाँ पर। ये बहुत सुंदर जगह है, लोगों को मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सी कितना सुंदर जगह है, बस यहीं पे अब रुक गए हैं, थोड़ा सा हमने का फोटो सेशन कराते हैं फिर उसके बाद चले। आओ वंशी, चलो 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 चलो। हम लोग अब रुके हैं रास्ते में, एक नेचुरल पार्क है उसके लिए। लेट्स सी कैसा है ये पार्क, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। आगे आगे ये देखिए, ये इसका एंट्रेंस है पार्क का ना, कितना सुंदर बना हुआ है। तो आप यहाँ से एंटर करेंगे और अंदर आपको टिकट लेना पड़ता है। आप टिकट लेंगे, बच्चों का भी है और बड़ों का भी, अलग अलग चार्जेस है, आप टिकट लेके अंदर जा सकते हैं। तो ये बस इस तरह से आप इसके अंदर एंटर करेंगे और उसके बाद टिकट लेंगे, अंदर जाएंगे। ये यूवी को एनिमल्स की पिक्चर देख के खुशी हो गई थी बहुत ज़्यादा। ये इसका एंट्रेंस है अंदर टिकट लेने के बाद, धौलाधार पार्क के नाम से है। आप व्यू देखो, व्यू कितना अच्छा है, मैंने बस कुछ क्लिप्स लिए हैं, अगर कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर मौसम थोड़ा सा होता ना बारिश का तो और अच्छा लगता, धूप बहुत थी। ये देखो ये लायन है, बच्चे तो पागल हो जाते हैं देख के इतना। ये लेपर्ड है यहाँ और ये ईमूज तो बहुत सारे हैं वहाँ पे। ईमू तो ऐसे लगता है कि बस आपके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, इतने ज़्यादा हैं। खूब फ़ोटो खींची हम लोगों ने भी इसके, क्योंकि इतने पास आ रहा था ना। अब हम वहाँ से निकल आए हैं जू से, इतनी गर्मी थी यार। अब हम जा रहे हैं पालमपुर के लिए और मौसम बादल तो हो रहे हैं, देखो यार बारिश हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत है यार अभी भी ना, यहाँ पे दिन में ना बहुत गर्मी है। चलो बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, देखते हैं कैसा रहता है आगे मौसम। बादल आ तो रहे हैं, बारिश हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और हम लोग अब ये बस वहाँ से निकल गए हैं और अब आगे जा रहे हैं। ये आगे जाओगे तो आप क्या होता है, रास्ते में एक पुल पड़ता है, इस पुल के नीचे ना एक नदी बहती है। अब क्या होता है, जनरली जब लोग
बाहर टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको मेन मेन जैसे पालमपुर है वो क्या करते हैं वो सीधा पालमपुर चले जाएंगे, उनको बीच की ऐसी जगह पता ही नहीं होती है जहाँ पे वो ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जो मेन स्टेशन होता है ना वहाँ पे बहुत रश रहता है। जैसे हम लोग डलहौजी जाते हैं, मैं डलहौजी नहीं जाऊँगी, क्यों वो सड़क पे इतना रश रहता है, ट्रैफिक कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, कार पार्किंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या होता है जो उनके अलावा जगह रहती है ना उन पे जाके आप ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हो। तो ठीक वैसे ही जब आप जाओगे ना तो पालमपुर, तो रास्ते में ये ऐसे एक छोटे सा पुल पड़ता है जिसके नीचे नदी बह रही होती है। हम क्या करेंगे, हम इसी पुल के साइड में जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ जाके गाड़ी पार्क कर देंगे और इससे फिर नीचे उतरेंगे। नीचे उतर के जाके ना आपको एक तो इतना बढ़िया व्यू मिलेगा, आपको इधर यहाँ पीछे ही एक फूड ट्रक भी खड़ा रहता है, आप इंजॉय भी कर सकते हो। देखो ऐसे हम लोग वहाँ उतरे और हमने गाड़ी से उतर के ये ऐसे कच्चा रास्ता नीचे की तरफ जाता है, तो ये मैं रास्ते पे चल के आ रही थी। एक्चुअली मेरा मूड हो गया था तो मैंने कुछ स्लो मोशंस भी बना लिए थे, वो तो इसमें नहीं है, बट ये ऐसे कच्चा रास्ता नीचे आपको ले जा लेगा। बस आपने ऐसे चलते जाना है उस रास्ते पे। यहाँ देखो ये इतना सुंदर है, पानी बह रहा है, अब बिल्कुल फ्रेश पानी है, बीच बीच में पत्थर पड़े हैं, आप पत्थर पे बैठो इन्जॉय करो नाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत गहरा पानी नहीं था, तो जैसे आप देख रहे हो यूवी को भी हमने एक पत्थर पे बिठाया और इन्जॉय किया, तो आप ऐसे ही इन्जॉय कर सकते हो यूवी के साथ में। छोटे बच्चे हो तो उनके साथ भी, गहरे पानी की जगह में क्या होता है कि डर रहता है बच्चों के साथ में, तो यहाँ डर नहीं। बहुत अच्छा है यार, मज़ा आया बच्चों ने। एक्चुअली क्या होता है जब हम ट्रिप पे जाते हैं ना, एक जगह हो तो मज़ा नहीं आता, एटलीस्ट उस जगह तीन चार जगह हो जहाँ पे आप घूम सको तब मज़ा आता है। अभी तो यहाँ पे थोड़ा धूप है बट स्टिल बच्चे खुश हो जाते हैं, खुला एरिया मिलता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो एक ये प्लेस भी है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं। अभी तो थोड़ा धूप है, जैसे थोड़ा शाम हो जाएगा या अर्ली मॉर्निंग जब वेदर बहुत अच्छा होता है तो ये बहुत अच्छी जगह है बच्चों के घुमाने के लिए, तो आप इसमें घुमा सकते हैं। तो गाइस हम लोग जब पालमपुर से आए तो रास्ते में एक शिव जी का मंदिर पड़ता है। एक्चुअली अगर आप बाहर रोड से दे तो वो मंदिर नहीं लगता है, बट बहुत पुराना प्राचीन शिव जी का एक मंदिर है वहाँ पे। पहले मानते हैं कि वहाँ पे प्राकृतिक रूप से वहाँ पर दूध बहता था, शिव जी के ऊपर गिरता था, बट बाद में वो बंद हो गया है, अब उसमें से पानी ही टपकता है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो अगर आप यहाँ आएँ तो रास्ते में अगर आप देखेंगे तो एक आपको शिव जी का एक बहुत प्राचीन मंदिर भी मिलेगा, वहाँ पे भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। एक्चुअली हम लोगों के सुबह से निकले हैं और फ़ोन डेड हो चुके हैं और इसलिए मैं वहाँ पे, वैसे भी वहाँ पे अंदर फ़ोटो लेना मना है, बट अगर आप लोग आएँ तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सुकून मिलता है अंदर ना, तो आप ज़रूर आइएगा और यहाँ पे भी दर्शन करिएगा। एक और जगह है जो आप कर सकते हैं दर्शन। अब हम वापस आ रहे हैं, बस पूरा दिन हो गया आज हमें यहाँ पे, और अब बस हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ का घर पड़ता है तो उनके घर पे जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ से घर चले जाएंगे। उनके यहाँ थोड़ा रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे और फिर चले जाएंगे। बट जो पालमपुर का हमारा ट्रिप रहा वो बहुत ऑसम रहा। तो अगर कभी भी आप प्लान करें पालमपुर आने का तो प्लीज इन जगहों पे ज़रूर जाना, मज़े आ जाएंगे आप लोगों को। चलिए फिर कभी किसी और डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे यहाँ के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। गुड बाय।